खुसरा भी हमें पास आता देखकर रास्ता बदल लेता। अरे ओ बबुआ, AVR प्रैंक टीवी तो देखा ही होगा ना। अरे देखा ही होगा, अब शर्माना कैसा देखा है तो कौन सा ऑस्कर मिलने वाला है। तो आज की बारिश होने लगी है AVR प्रैंक टीवी पर। ये साहब लड़कियों पे तो प्रैंक करते ही है, मगर मुझे इनके टेस्ट का भी अंदाजा हो गया है। के जनाब, लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं यकीन? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, जनाब आप खुद देखें। आगे बढ़ने से पहले आपने सब्सक्राइब का रेड बटन तो देखा ही होगा ना, नीचे उसको दबा दें। अरे भैया दबा दें, अरे नहीं लगता करंट, दबा दें। समझ नहीं आ रहा कि इस दुनिया में कैसे कैसे प्रैंक हो रहे हैं। AVR प्रैंक टीवी को ही देख ले, यो लगता है भाई जैसे ये छोरा तो खुल के खेल रहा है और मजे भी कर रहा है। टिका के, अरे भैया टिका के और फुल टिका के। जब ये प्रैंक देखे तो मुझे एक लम्हे के लिए त्रिपाठी की बड़ी याद आई कि अगर वो मुर्शिद जहां होते तो फिर तो यहां कुछ भी ना होता भैया। उनके आगे किसी की क्या मजाल, आम इंसान दिन में चंद गालियां निकाल कर ठंडा पड़ जाता है, मगर त्रिपाठी गालियों का भाषण देकर समाप्त कर देते हैं। तो बात हो रही थी AVR प्रैंक टीवी पर, जहां तक मैंने सोचा है बल्कि आपने भी सोचा होगा कि ये सारी लड़कियां सिर्फ इन्हें ही मिलती हैं प्रैंक बनाने के लिए, अगर हम निकल पड़े तो हमें क्यों नहीं मिलती। प्रैंक करने के लिए लड़की इन्हें ही मिलती है, किस करने के लिए लड़की इन्हें मिलती है, कोई रोमांस करने के लिए लड़की इन्हें मिलती है, गोल्ड डिगर प्रैंक देख लें इन्हें ही लड़की मिलती है, और पता नहीं क्या क्या ये करते हैं लड़कियों के साथ। और इधर हम है कि खुसरा भी हमें पास आता देख कर रास्ता बदल लेता है, न जाने हमारे फंक्शन पूरे नहीं है या कोई और फंडी खराबी के कोई हमें मुंह नहीं लगाता। लगाता है तो सिर्फ उन्हीं प्रैंकस्टर को, और पता नहीं क्यों मुंह लगाते हैं। मैं इनसे सवाल करूंगा कि जो शक्ति ये यूज करते हैं वो शक्ति हमें भी बताएं, ताकि हम भी किसी को मुंह लगाने के काबिल हो सकें। कहना तो बहुत कुछ था आपके प्रैंक्स के लिए, मगर सिंपल और मैनर्स में सिर्फ इतनी ही हो सकती है जितनी मैंने आपकी गोद भराई कर दी है। अरे भैया, आपके टेस्ट वाली बात तो बीच में ही रह गई, वो पूछना ये था कि आपका लड़कों में इंटरेस्ट है या सिर्फ मुझे ही लगता है। मुझे सिर्फ लगता नहीं है, मैंने आपकी वीडियोस में देखा भी है। आखिर में मेरा सजेशन वाला भाषण तो भैया आपको सुनना ही होगा। तो सजेशन ये है कि आई नो कि आप चंद सेकंड में महंगी गाड़ी दिखाकर लड़की पटा लेते हैं, चाहे गाड़ी किराए की हो, मगर लड़की तो काबू कर ही लेते हो, जबकि हमसे मुर्गी भी काबू नहीं हो पाती। तो सजेशन ये है कि ज्यादा फहाश किस्म का कंटेंट ना लाया करें, क्योंकि आपकी ओवरऑल वीडियोस अच्छी होती हैं। काइंडली मेरे इस सजेशन को भी काबू कर लें जैसे आप लड़की को काबू करते हैं। शुगल करो, खा पाओ, अन्नी पा दे।